हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D वीडियो। तो आज की वीडियो में फिर से हम लोग इसके मिथबस्टर्स को कंफर्म या बस करने जा रहे हैं। तो हमारा पहला मिथ ये है कि अगर हम पहले फर्स्ट पर्सन कैमरा करके हेलीकॉप्टर में बैठे हैं तो घुटनों के नीचे हमारा कैमरा नहीं होगा। तो बुला लिया मैंने हेलीकॉप्टर, 8000 की चीट कोड है न्यू हेलीकॉप्टर की, बैठते इसमें ऑलरेडी फर्स्ट पर्सन करके, और जैसे ही मैं इसमें बैठा हूँ हमारा ग्लिच हो गया है। मतलब ये ग्लिच बेटर है क्योंकि जो नॉर्मल है वो ग्लिच से भी बदतर है गाइस। ये देखो, जैसे अभी हमने पहले से फर्स्ट पर्सन किया था तो ऐसा दिख रहा है और ये व्यू काफ़ी ठीक है, लेकिन अगर आप नॉर्मल बैठो और फिर फर्स्ट पर्सन करो ना तो फिर वो ऐसा लगता है कि घुटनों के नीचे आ चुका है कैमरा, जो कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखो ऐसा दिखता है कुछ, तो ये बहुत ज़्यादा बेकार लगता है यार। तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि प्लेजर स्कूटी में चाबी है। तो गाइस न्यू प्लेजर आ चुकी है जिसका चीट कोड है 4x0, जिससे पहले एक्टिवा आती थी अब उससे प्लेजर आती है। और इसमें देखते हैं हम लोग कि क्या सच में चाबी लगी है, क्योंकि ये सिर्फ अभी तक हमने हायाबुसा में ही देखा है। उतर के देखते हैं गाइस, चाबी इसकी तो नीचे रहती है ना, वही तो मैं सोच रहा था भाई बाइक जैसी होगी, लेकिन चाबी नीचे रहती है स्कूटी की। स्नाइपर से मैंने जूम किया, ये देखो लटक रही है, एक नहीं दो तो चाबी लटकी गई इसकी। अगर एक घूम जाए तो दूसरी भी लगा लेना और की रिंग भी दिए, सही है ये तो। ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि अगर आप बहुत सारे जॉम्बीज को घर पर लाओगे तो वो छोटे हो जाएंगे, फिर सीढ़ी पर चढ़कर उतरोगे तो आप जॉम्बीज के सर पर चढ़ जाओगे। तो मैं आ चुका हूँ इस सिटी में सारे जॉम्बीज को अपने घर पर इन्वाइट करने के लिए, और धीरे धीरे करके एक एक इन्वाइट एक्सेप्ट कर भी रहा है, लेकिन देखते हैं कितने आते हैं अंदर और फिर चढ़ते हैं हम लोग इनके सर पर। तो काफ़ी सारे जॉम्बीज आ चुके हैं मेरे घर पर, आप देख तो पीछे। अब चलते हैं इन लोग को सीढ़ी के पास लेके, और मैं चढ़ता हूँ सीढ़ी के ऊपर, और बेचारे इन लोग की तो टांगे हैं ही नहीं तो इसलिए ये लोग ऊपर आ नहीं पाएंगे, नीचे रहो तुम लोग। और मैं आया थोड़ा सा नीचे, चढ़ गया इनके सर के ऊपर। गाइस ये देखो भाई, मैं इनके सर के ऊपर चढ़ चुका हूँ, अब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा ना, तो ये देखो हम लोग इनके सर के ऊपर ही चल सकते हैं। ये पूरे मेरे नीचे ही आ चुके हैं गाइस, लेकिन मैं ज़्यादा तेज़ भी नहीं चल सकता क्योंकि मुझे लगता है कि हम नीचे गिर जाएंगे। फिर एक बार नीचे चल के देखते हैं जहाँ पर ये लोग नॉर्मल हाइट के हो जाएंगे ना, फिर शायद अच्छा मज़ा आता। लेकिन उससे पहले यार मैं नीचे गिर गया और अब ये लोग ने मुझे घेर लिया है और अब मुझे मारेंगे, लेकिन नियमित कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ यह है कि न्यू हेलीकॉप्टर की ब्लेड्स किसी जॉम्बी को मार के देखो फिर होगा खूनम खून। तो इनके कहने का मतलब ये है कि जो न्यू हेलीकॉप्टर है ना, इसकी जो ब्लेड्स है ये जब घूमेगी तो जॉम्बीज कट जाएंगे बीच में से, हो सकता है कहीं से भी कट जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ खास होने वाला है, ट्राई करके देख लेते। इसके लिए मुझे ब्लेड यार नीचे की तरफ करनी पड़ेगी। हाँ, अब कोई इस ब्लेड पर आए तो मालूम चलेगा। देखो एक आया और इसको कुछ नहीं हुआ गाइस, ये तो आर पार निकल गया। एक और आया, इसको भी कुछ नहीं हुआ, और दो तीन आओ जरा एग्जैक्ट मालूम चले फिर हमें। आया एक और आया, ये भी आया और इसको भी कुछ नहीं हुआ गाइस। तो मुझे नहीं लगता कि ये ब्लेड्स काटेंगे किसी जॉम्बी को, तो ये मिथ बस्टेड है। हमारा अगला मिथ ये है कि न्यू हेलीकॉप्टर का कोई दरवाज़ा नहीं है, पर हेलीकॉप्टर के अंदर जाने के टाइम पर दरवाज़ा खोल के अंदर जाते हैं हम लोग। तो बुलाते हैं न्यू हेलीकॉप्टर को एक बार फिर से, और आप देख सकते हो इसमें कोई भी दरवाज़ा नहीं लगा, ना पीछे वाले के लिए ना आगे वाले के लिए, लेकिन तब भी हमारा बंदा कोई सा इनविजिबल दरवाज़ा खोलता है और बाहर आने के टाइम भी बंद करता है। ये पता नहीं क्या लॉजिक है, लेकिन ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ यह है कि अगर आप शोरूम के ऊपर जाकर ग्लास में जंप करोगे तो नीचे गिर जाओगे। तो शोरूम के ऊपर आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया व्यू है, चलते हैं हेलीकॉप्टर से और उतरते हैं सीधे ग्लास पर। उतरेगा ही तो मुझे लग रहा है भाई, थोड़ा सा ज़मीन पर आ जाना बस। अब चलते हैं ग्लास पे, और ग्लास पे मैं जैसे कूदा भाई आर पार निकल गया, बेचारे बंदे को डैमेज हो गया यहाँ पे, और ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि जॉम्बीज अगर ट्रेन के आगे आएंगे तो होगा मैजिक। मैं तो बैठ गया हूँ ट्रेन के अंदर, जॉम्बीज का हमने चीट कोड लगा दिया है, एक जॉम्बी आया और पता नहीं कहाँ चला गया। ये मुझे मानने के लिए शायद ये लोग अंदर आ रहे हैं ड्राइविंग सीट के नीचे। अब एक बार ये सब मेरे आगे आ जाए फिर मैं ट्रेन को चलाता हूँ और देखते हैं क्या जॉम्बीज को हम कुचल सकते हैं, और पहले पीछे लेके देखते हैं ताकि कुछ आगे आए तो हम लोग आगे की तरफ चलाएं। लेकिन यार पीछे में भी कुचल जाना चाहिए था, एक दो तीन चार थे शायद से, एक तो दिख भी नहीं रहे भाई। दो तीन कहाँ गए, ट्रेन के नीचे तो नहीं फंस गए? इसके लिए हमें ट्रेन आगे करनी पड़ेगी। देखो ये मेरे आगे आ चुके, अब मैं सीधे इनके ऊपर चढ़ाते हुए ले जाता हूँ ट्रेन को, और फिर देखते क्या होता है गाइस। ये चढ़ा दिया, ये देखो भाग रहे हैं लोग, अभी भाग रहे हैं, मतलब इनको कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, और आगे से भी कोई और आ रहा है क्या? ठीक है गाइस, ये देखो इन दोनों को तो कुछ नहीं हुआ है ना, अभी पूरा हम लोग इन पर चढ़ा देते हैं, फिर देखते। एक और आया नीचे। अभी काफ़ी जॉम्बीज पर मैंने ट्रेन चढ़ा दी थी गाइस, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कोई भी मरा होगा। एक बार पीछे चल के देख लेते हैं। ये देखो गाइस सारे जॉम्बी जिंदा है, किसी की भी बॉडी भी नीचे नहीं पड़ी है।
मतलब कि किसी को कुछ नहीं हुआ है और ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि जॉम्बी मोड लगाएं और बहुत सारे डॉग को स्पॉन करें तो वो एयरपोर्ट पे जॉम्बी को मारते हैं और हमारी हेल्प करते हैं। आ गया हूँ मैं एयरपोर्ट के पास जहाँ पे आपको मेरे सामने दिख रहे होंगे 100 जॉम्बीज, तो एटलीस्ट हम लोग 10 या 20 कुत्ते तो बुलाते हैं। अगर ये उनको मारे तो फिर अच्छे से मारे, है ना। वैसे मुझे नहीं लगता कि ये मारेंगे क्योंकि आज तक इन लोगों ने मेरी कुछ हेल्प नहीं करी भाई। ना डायनासोर से बचाया, ना लोगों से बचाया, ना पुलिस से बचाया, किसी से नहीं बचाया, तो मुझे इनसे कोई उम्मीद है भी नहीं कि ये मुझे जॉम्बी से बचाएंगे। आ रहे हैं वो लोग, बॉयस रेडी रहना ठीक है उनको काटने के लिए। ऐसे तो नहीं होता है। चलो काटो भाई प्लीज यार, एक बार तो हेल्प कर दो, मेरी मुंह मत देखो यार। एक तो इन लोगों ने मुझे अटका दिया भाई, डॉग से पहली बार अटक गया मैं खुद नहीं बच पा रहा इनसे यार। ये कुत्ते काट रहे कि नहीं काट रहे इनको यार? नहीं गाइस, कोई रिएक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भौंक रहे हैं, और वो भी मुझे लग रहा है कि मेरे पे भौंक रहे हैं। वो जॉम्बी से तो कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है, और मैं चार कुत्ते बुला लूँ ना अभी यहाँ पे, उससे भी कुछ नहीं होगा। नाइट मोड की चीट कोड क्यों लग गई भाई, और स्ट्रॉन्ग नहीं करना मुझे जॉम्बीज को। ये देखो और दो चार कुत्ते बुला लेता हूँ बाद में, इनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, इनके मालिक को कोई भी आके पीट के चल जाता है। और ये मिथ बस्टेड है। हमारा अगला मिथ ये है कि अगर हम लोग मेगा रैम पे जाकर सेव करेंगे और नॉर्मल मोड में लोड करेंगे फिर देखो मैजिक। तो मैं आ चुका हूँ गाइस मेगा रैम के ऊपर, आरजीएस टूल खोल लिया है मैंने, अब दबाते हैं सेव को, तो ये हमारी पोजीशन सेव हो चुकी है। अब हम लोग खोलते हैं नॉर्मल मोड, अपना प्ले मोड ठीक है, जिसमें मेगा रैम नहीं आएगा। यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं गाइस, क्योंकि मेगा रैम सिर्फ मेगा रैम मोड में ही आता है। तो अब हम लोड करेंगे तो हमारा बंदा कहाँ जाएगा देखते हैं चेक करके। लोड लिखा हमने आरजीएस टूल में, मैं आ तो गया मेगा रैम के ऊपर लेकिन यहाँ पे मेगा रैम था ही नहीं, जिसके कारण हम लोग नीचे गिरेंगे बहुत ही गंदा वाला। तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि अगर आप ट्रेन से चिपक कर ट्रेन चालू करोगे और दौड़ने लगोगे फिर होगा मैजिक। तो मैं आ चुका हूँ ट्रेन के पास गाइस, यहाँ पे इन्फिनाइट हेल्थ लगा ली हमने। अब हम लोग चलते हैं और इंजन को फॉरवर्ड करते हैं, जल्दी से दौड़ते हैं। मेरा पैर भाई पटरी में अटक गया और मैं नीचे गिर गया। चलो गाइस सेकंड अटेम्प्ट, इंजन किया फॉरवर्ड तो हुआ ही नहीं, फॉरवर्ड किया जल्दी दौड़ लगाई, ट्रेन तो चिपकी नहीं भाई, ट्रेन तो चालू हुई नहीं यार। फिर से करते हैं ठीक है, आए चिपके, इंजन किया फॉरवर्ड किया, ट्रेन चालू हो गई, फिर इसका पैर अटक गया। कहाँ अटक रहा है, कौन सा पत्थर है यहाँ पे, मुझे तो दिख नहीं रहा ये क्यों गिर जा रहा है। चलो गाइस थर्ड अटेम्प्ट, इंजन किया खत्म ठीक है, टेक 23 इंजन भाई। अब मैं समझ गया कि ऐसा नहीं होगा, हमें आगे जाके ये चीज करनी पड़ेगी, अगर मैं चिपक के चालू करूंगा तो इससे होगा नहीं, जैसे ट्रेन आएगी तो ये खुद गिर गया। और ये क्या हुआ भाई, अबे जल पर ये क्या बन गया था, पेपर गाइस देख के अच्छा तो लग रहा था, कुछ तो अलग हुआ था और यही होगा शायद मैजिक। तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि आरजीएस टूल पर GTA 5 बोलकर देखो फिर होगा मैजिक। तो निकालते हैं आरजीएस टूल को, यार बहुत लोग बोल भी रहे थे GTA 5 कुछ मोड आने वाला है, देखते हैं ऐसा कुछ है क्या। GTA लिखा, 5 लिखा और ये कुछ भी नहीं हुआ गाइस। लेकिन एक और चीज़ है, हम लोग GTA 5 भी लिख सकते हैं, पहले हमने GTA V लिखा था, अब GTA 5 लिख के देखते हैं क्या इससे कुछ होता है, कुछ भी नहीं होता है गाइस। तो ये मिथ बस्टेड है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबा दो, और आपके पास जो भी नए मिथ्स हैं गाइस जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो अपने मिथ्स, ताकि हम उनको लें अगले मिथ बस्टर्स की वीडियो में। और मेरी पिछली वीडियो देखनी हो इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, देख लो दबा के।